आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो आज भी वहीं पर हैं जहां आज से 10 साल पहले वो हुआ करते थे, लेकिन वहीं पर आपका एक साथी जो आपके साथ ही वही काम स्टार्ट करता था जो आप कर रहे हैं, वो आज कहीं से कहीं पहुंच चुका है, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। क्या कभी सोचने की कोशिश की है कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और क्यों हमारे साथी हमसे आज काफी आगे निकल चुके हैं? तो आज इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि क्या कारण है कि आप भी वही हैं, आज भी वही हैं जहां आज से 10 साल पहले थे। कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो क्या चीज है जो हमें छोड़नी होगी और उसको छोड़कर हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारे वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि किस तरीके से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आपने एक ऐसा डिसीजन नहीं लिया, डिसीजन लेना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन वो डिसीजन लेना कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आने वाला है। डिसीजन लेने में हो सकता है कुछ मुश्किलें आए, डिसीजन लेने में हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि मैं करूं या ना करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा डिसीजन आज लेना होगा जो डिसीजन लेकर आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आज जो मैं आपको इस वीडियो में एक कहानी बताने वाला हूं, ये कहानी उन सभी लोगों को देखना बहुत जरूरी है जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जो अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं, जो लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं। आज ये जो कहानी है, ये कहानी एक बंदर और एक चिड़िया की कहानी है। एक बंदर और एक चिड़िया दोनों एक बहुत ही गहरे दोस्त थे, दोनों साथ रहते थे। बंदर और चिड़िया खाना भी साथ खाते थे, खेलते भी साथ थे, लेकिन फर्क था सिर्फ सोच का। एक बंदर जो एक आलसी बंदर था और एक चिड़िया जो ठंड में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, रात में, दिन में, हर टाइम सिर्फ अपने काम के बारे में सोचती थी। रात को सोते समय भी उसके दिमाग में सिर्फ उसका काम चलता था कि कैसे हमारा परिवार आगे बढ़ पाए, कैसे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊं, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और वहीं पर एक बंदर जो फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचता था, वो सिर्फ आज के बारे में सोचता था। आज अगर उसको 10 रुपए मिले, शाम तक 10 रुपए खर्च करके वो आराम की नींद सोता था। लेकिन चिड़िया आज मेहनत करती थी, आज सोती नहीं थी, लेकिन उसका भविष्य बिल्कुल क्लियर था, उसका भविष्य बहुत ही चमकदार था। बात क्या होती है, ये है बंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक बंदर है, ये है बंदर, राइट, ये एक बंदर है और ये है एक चिड़िया, ये है एक चिड़िया, बर्ड। ये चिड़िया और ये बंदर दोनों ही दोस्त थे, फ्रेंड। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन स्किप नहीं करना है वीडियो, वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक ऐसा कौन सा सख्त डिसीजन लेना होगा जो आज आपको मुश्किल दे सकता है, लेकिन फ्यूचर आपका ब्राइट होने वाला है। कमेंट करके मुझे बताइए। और आप में से कितने ऐसे दर्शक हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए? या फिर आप में से ऐसे दर्शक जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? कमेंट मुझे जरूर करिएगा। चिड़िया और बंदर दोनों दोस्त थे। चिड़िया फ्यूचर के बारे में सोचती थी और बंदर सिर्फ प्रेजेंट के बारे में। चिड़िया रोज 100 रुपए कमाती थी और बंदर रोज 100 रुपए कमाता था।
दोनों बराबर कमाते थे, लेकिन बंदर 100 रुपए रोज खर्च कर देता था और आराम से रात को सोता था, राइट, रात को आराम से सोता था। लेकिन चिड़िया जो 100 रुपए कमाती थी उसको वो सेव करती थी, उसको बचाती थी 100 रुपए को, और साथ साथ वो फ्यूचर के बारे में भी सोचती थी। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, मौसम बदलते रहते हैं। चिड़िया हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती थी, वो सोचती थी कि आज गर्मी का मौसम है, आने वाले टाइम में बरसात आएगी, बरसात के समय में खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, राइट, क्या नहीं हो पाएगा, खाने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चिड़िया अपने फ्यूचर के बारे में सोचती थी कि खाने का बंदोबस्त कैसे हो पाए। लेकिन बंदर वो सिर्फ आज में विश्वास रखता था, आज वो खाने के लिए अपना अरेंजमेंट करता और अपने पेड़ पे बैठ के आराम से गुजारा करता। और चिड़िया जो मेहनत करती थी रात दिन, तो ये बंदर इस चिड़िया का मजाक उड़ाता था। मजाक कैसे उड़ाता था, चिड़िया सुबह निकलती 7 बजे घर से और रात को 7 बजे अपने घर पे आती, और बंदर खाने का जुगाड़ है तो भाई साहब घर में सोते रहते, राइट, इसको फ्यूचर की चिंता नहीं है, इसको सिर्फ आज की चिंता है, भाई आज मुझे जो मिल गया वो मेरे लिए काफी है। चिड़िया जब सुबह 7 बजे निकलती तो बंदर इसको हंसता कि तू क्या पूरा दिन मेहनत करती है, क्या करती है तू, पूरा दिन मेहनत करती है, क्या करेगी तू मेहनत करके, सुबह 7 बजे निकलती और रात को 7 बजे आती है, मुझे देख, मैं आराम से खाना भी खाता हूं और पेड़ पे बैठ के सोता भी हूं, आराम भी करता हूं। चिड़िया इसकी एक ना सुनती, चिड़िया सिर्फ अपने काम में फोकस करती। गर्मी चल रही थी, चिड़िया मेहनत कर रही थी, लेकिन बरसात, चिड़िया इसको कहती कि भाई आज गर्मी है, आज तू खाने का बंदोबस्त कर ले, नहीं तो तुझे फ्यूचर में दिक्कत होगी। लेकिन इसकी समझ में कुछ ना आता, ये इसका मजाक उड़ाता। चिड़िया क्या करती, वो गर्मी में बरसात के बारे में सोच रही थी कि आने वाले टाइम में बरसात आएगी और बरसात में मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, चारों तरफ पानी भरा रहेगा, कहां से मैं खाने का अरेंजमेंट करूंगी, कहां से मैं बच्चों के खाने के लिए अरेंजमेंट करूंगी। तो उसने गर्मी में ही खाना स्टोर करना शुरू कर दिया, राइट, वो क्या करती, अपनी चोंच में खाना लेकर आती और अपने घर में लाके स्टोर कर देती। सुबह 7 बजे निकलती, खाना लेकर आती अपनी चोंच में और अपने घर में स्टोर करती, उसका रोज यही काम था। 1 महीना 2 महीने 3 महीने वो रोज यही काम करती। उसने अपने घर में इतना बंदोबस्त कर लिया कि अगले 5-6 महीने का राशन उसने अपने घर में स्टोर कर लिया। लेकिन बंदर तो सिर्फ आराम कर रहा था, उसको कोई चिंता नहीं है फ्यूचर की, चाहे बरसात आए, चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए, कुछ भी आए, उसको तो सिर्फ एक दिन में आज से मतलब था कि आज मेरे पास खाना हो तो मैं टेंशन फ्री हूं। भाई साहब टाइम निकल गया, क्योंकि समय तो निश्चित नहीं रहता है, टाइम तो चेंज होता रहता है, गर्मी के बाद बरसात आनी है। बरसात आई, इतने जोर जोर से ओले पड़ने लगे, इतने जोर जोर से ओले पड़ने लगे, चिड़िया अपने घर में आराम से बैठ गई और बंदर जो पेड़ पे बैठा था, वो पेड़ पे ही बैठा रहा। बारिश उसके ऊपर पड़ती थी, 1 दिन हो गए 2 दिन हो गए, बरसात से पूरे 2 महीने चली, और 2 महीने जब बरसात चली, बंदर रोता रहा बंदर, और बंदर क्या कहता रहा कि चिड़िया काश मैं तेरी बात उस दिन मान लेता, काश तूने जो मुझे कहा था मैं तेरी बात को मान लेता, और मैं भी तेरी तरह आज जैसे तू अंदर बैठी है उसी तरह मैं भी अपने घर में अंदर बैठ के खाना खाता रहता, जिस तरीके से तू आज आराम कर रही है घर में बैठ के, तूने अपने शरीर की चिंता ना की, तूने चिंता की तो फ्यूचर के बारे में, तूने चिंता की तो अपने बच्चों के बारे में, तूने चिंता की तो अपने कल के बारे में कि कल क्या होगा, और बंदर क्या करता था, वो करता था सिर्फ आज के बारे में। तो दोस्तों ये कहानी बताने का उद्देश्य क्या है कि हम, आप का कलीग यहां पर है और आप यहां पर हैं, आप सिर्फ आज मेहनत करते हैं, सिर्फ मेहनत करके
दो चार दिन मेहनत करके थक जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपका दोस्त जो सुबह 7 बजे निकलता है और 7 बजे घर पे लौटता है, आज उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कल उसको रिजल्ट नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, परसों उसको रिजल्ट आएगा लेकिन कम आएगा, उसके बाद 1 महीने बाद उसको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना स्टार्ट होगा और 2-3 महीने के बाद उसके पुराने फॉलोअप कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसको बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्यूचर में आपका जो बिजनेस होगा उस बिजनेस से आपका रिन्यूअल, आपकी इनकम इतनी हो जाएगी कि जो आपके पिछले 1 साल की मेहनत है उस मेहनत के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और आपकी इनकम रेगुलर बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 1 साल में इतना वर्क किया है और इसने कोई वर्क नहीं किया है। आज अगर एक इसका प्रोडक्ट बिक गया, शांति से बैठ गया, कल फिर एक प्रोडक्ट बिक गया, शांति से बैठ गया, जब तक पैसा है तब तक खर्च कर रहा है, जब पैसा खत्म हो गया यानी कि बरसात आ गई तो फिर माथा पकड़ के बैठ गया कि मेरे ऊपर इतना कर्ज हो चला। तो कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं है? अगर आपके साथ ऐसा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें प्रेजेंट के बारे में तो सोचना ही सोचना है और हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। अपनी जिंदगी तो बदलनी है, अपने परिवार की जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी। क्या आप भी चाहेंगे कि आप जिस तरीके से एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं आपके बच्चे भी उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? क्या आप चाहेंगे कि जो हार्डवर्क आपने किया है वो हार्डवर्क आपके बच्चे भी करें? क्या आप चाहेंगे कि जो काम आप आज कर रहे हैं आपके बच्चे भी वही काम करेंगे? नहीं चाहेंगे ना। आप सोचेंगे कि मेरा बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़े, मेरा बच्चा एक बिजनेसमैन बने, मेरा बच्चा MNC कंपनी में वर्क करे, आप यही चाहेंगे। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, उसके लिए हमें आज डिसीजन लेना होगा, उसके लिए हमें आज कठिन परिश्रम करना होगा। आज की मेहनत फ्यूचर में जरूर काम आएगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में घंटी के बटन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। और अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए आ गया है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, सभी बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं लेकिन आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको सीधे सीधे कहां पर जाना है? गूगल प्ले स्टोर पर। कहां जाना है आपको? आप जाइए सीधे गूगल प्ले स्टोर पर, राइट? गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए और यहां पर जाकर आप सर्च कीजिए मेरा नाम, यानी कि अमित त्यागी, AMIT, अमित त्यागी, TYAGI। आप अमित त्यागी सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद आप हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए वहां पर आपको कोर्स दिखाई देंगे, उन कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। अभी बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। ये कोर्स आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं और कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।